हेलो एवरीवन, आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, मेरी वीडियोस के कमेंट्स में 200 से ज़्यादा व्यूअर्स ने एक सवाल पूछा कि क्या मैं अपने वाइफ के अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र करके शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। अब ऐसा पूछना और ऐसा सोचना नॉर्मल है, क्योंकि बहुत से हस्बैंड की जो वाइफ होती है वो हाउसवाइफ होती है, या फिर जनरली वाइफ की इनकम इतनी नहीं होती कि उसके ऊपर टैक्स लगे। इसलिए टैक्स बचाने के पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर हस्बैंड लोग वाइफ के नाम पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करते हुए वो एक बात भूल जाते हैं। दोस्तों, मैं हूं सीए सुदेश कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इनकम टैक्स वाला। आइए इस बात की तह तक जाते हैं अब कि क्या होता है कि इनकम डिवाइड हो जाएगी और टैक्स भी डिवाइड हो जाएगा। ये सोचकर वाइफ के नाम से एक डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं और उस डीमैट अकाउंट के अंदर इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं। तो बात यह है कि आप ऐसा कर तो सकते हो, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। फायदा क्यों नहीं है, ये बात अब हम करते हैं। हालांकि एक सरकमस्टांस है जब आपको इसका फायदा मिल सकता है, जिसमें इस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। ये मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, आप वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखिएगा। एक एग्जाम्पल से मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। मान लीजिए मिस्टर राहुल रमन अपनी वाइफ श्वेता श्री के बैंक अकाउंट में हर महीने 50,000 रुपये जमा करते हैं, यानी 50,000 रुपये ट्रांसफ़र करते हैं और उसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं या फिर SIP परचेज कर लेते हैं। तो अब क्या है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से आपको दो तरीके की इनकम होती है, एक है डिविडेंड इनकम और दूसरा है शेयर या म्यूचुअल फंड को सेल करने से जो कैपिटल गेन की इनकम होती है। इन दोनों ही इनकम पर राहुल रमन को ही टैक्स देना है, श्वेता श्री को टैक्स नहीं देना है, क्योंकि सोर्स ऑफ फंड्स राहुल है, श्वेता श्री नहीं है। इसे बोलते हैं हम क्लबिंग ऑफ इनकम और ये इनकम टैक्स के सेक्शन 64 के अंदर कवर होता है। तो कहने का मतलब है कि इस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर तो सकते हो, लेकिन आपने इस तरीके से जो टैक्स बचाने की एक बात सोची है उसका फायदा आपको नहीं मिलेगा। अब क्या हुआ कि राहुल भाई साहब ने अपना एनालिटिकल माइंड अप्लाई करते हुए कुछ नए तरीके से फंड्स को ट्रांसफर करने की सोची, लेकिन सरकार आपसे 4 कदम आगे है। दोस्तों, मैंने काफ़ी बातें इस वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश की है, लेकिन स्टिल भी मैं परफेक्ट नहीं हूँ, इसलिए आप अपने सवाल इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। लेकिन एक बात मैं बताता हूँ कि राहुल श्वेता को घर खर्च के लिए फंड्स दे सकता है, यानी हस्बैंड वाइफ को घर खर्च के लिए फंड्स दे सकता है, रिश्तेदारों को लेने देने के लिए, घर में पैसे संभाल के रखने के लिए फंड्स दे सकता है, या किसी और काम के लिए फंड्स दे सकते हैं। अब क्या हुआ कि श्वेता श्री ने जो इन्वेस्टमेंट की उसकी गेंस पर तो राहुल ने टैक्स पे कर दिया, लेकिन वो गेंस और डिविडेंड के पैसे रहेंगे वाइफ के अकाउंट में, यानी श्वेता के अकाउंट में, क्योंकि हस्बैंड तो केवल मजदूर है। अब वाइफ ने समझदारी दिखाई और उन प्रॉफिट्स के अमाउंट को फिर से रीइन्वेस्टमेंट कर दिया। तो इन रीइन्वेस्टमेंट से होने वाले जो गेंस है उस पर श्वेता को ही टैक्स देना है। फिर से समझिए आप एक बात कि श्वेता ने जो इन्वेस्टमेंट किया वो पैसा कहाँ से आया, हस्बैंड ने दिया। उस पैसे को इन्वेस्ट करके जो गेन हुए उस पर टैक्स किसने पे किया, हस्बैंड ने पे किया। मगर जो प्रॉफिट और गेन्स को रीइन्वेस्टमेंट करने से जो अगेन गेन होंगे उस पर श्वेता श्री जी को ही टैक्स पे करना होगा। लेकिन इस तरीके से हमने क्या देखा कि जो गेन को रीइन्वेस्टमेंट करने से अगेन गेन हुआ सिर्फ उस वाले पोर्शन पर वाइफ को टैक्स देना है, लेकिन जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट अमाउंट थी जो कि पहले राहुल ने श्वेता को ट्रांसफ़र की, यानी हस्बैंड ने वाइफ को ट्रांसफ़र की, उसके ऊपर भी स्टिल हस्बैंड को ही टैक्स देना है। यानी कि कोई खास बचत नहीं होगी। अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई। हस्बैंड राहुल ने अपना माइंड लगाया और सोचा कि मैं अपने ऑफिस के अंदर बात करता हूँ और अपनी वाइफ श्वेता को अपने ऑफिस में एम्प्लॉय शो करा देता हूँ। एक्चुअल में वो काम नहीं करती, लेकिन इस तरीके से सपोज 50,000 रुपये महीने की सैलरी श्वेता के बैंक अकाउंट के अंदर आ जाती है तो मैं उसे इन्वेस्टमेंट कर दूंगा और क्लबिंग के प्रोविजन भी अप्लाई नहीं होंगे। तो अब मेरी बात को समझिए कि आप ऐसे सैलरी नहीं दिखा सकते। आप सैलरी तब दिखा सकते हैं जब आपकी वाइफ के पास कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन हो, प्रोफेशनल नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो, जिसकी वजह से उनको ये सैलरी मिल रही है। यानी कि अगर वो सैलरी या इनकम उस नॉलेज और एक्सपीरियंस या टेक्निकल क्वालिफिकेशन के बेसिस पे मिल रही है तब आप ऐसा कर सकते हैं, वरना वो मजदूर वाली बात याद है ना आपको। गुड। अब एक बात और कि ये बात मैटर नहीं करती कि उस इन्वेस्टमेंट अकाउंट को मैनेज कौन कर रहा है, यानी डीमैट अकाउंट को ऑपरेट कौन करता है, हस्बैंड या वाइफ, ये बात कोई बिल्कुल मैटर नहीं करती। रेदर ये बात मैटर करती है कि इन्वेस्टमेंट के लिए फंड्स कहाँ से आए। देखिए, पूरे इनकम टैक्स एक्ट के अंदर 3 ऐसे रिश्ते हैं जब टैक्स ट्रांसफ़र करने वाले को ही देना होता है, और ऐसा कहता है इनकम टैक्स का सेक्शन 64, और वो 3 रिश्ते हैं वाइफ, डॉटर इन लॉ एंड माइनर चिल्ड्रन। अब यहाँ पर मैं वीडियो को एंड करता हूँ। वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को बेल आइकन दबाकर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप बेल आइकन नहीं दबाते तो आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशन नहीं आएंगी और आप बिल्कुल लेटेस्ट जो नॉलेज होती है उससे वंचित रह जाएंगे।
तो आप ये जरूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए और साथ में प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक भी जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।